बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम कढ़ाई गोश्त ये रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये रेसिपी जो है बहुत आसानी से और बहुत खड़े मसालों में ही बन जाती है, और आप जो है इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। और इसके लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है यहाँ पर 700 ग्राम मटन है बकरे का, और इसको हमने धो लिया है, साफ़ कर लिया है। रान का मटन है। ज़्यादातर आप ऐसा करें कि इसमें जो है नरम गोश्त का यूज़ करें। अगर हड्डियाँ नलियाँ आती है तब भी टेस्ट अच्छा होता है। अगर नहीं है आपके पास नरम गोश्त ज़्यादा, तो आप हड्डी वाले का भी बना सकते हैं, लेकिन ये नरम गोश्त में ज़्यादा अच्छा बनता है। बोटियाँ दरमियानी साइज़ की काट लें। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर लहसुन। लहसुन जो है हमने पूरा एक अक्खा लहसुन लिया है, और उसको छील के और उसको बारीक बारीक काट लिया है। चॉपर में से हमने निकाला है, आप उसको बारीक भी काट सकते हैं या कद्दूकश भी कर सकते हैं। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था, उसे भी हमने कद्दूकश कर लिया है या चॉपर में से निकाल लिया है। ये 3 दरमियानी साइज़ की प्याज थी, इसे हमने स्लाइस में काट लिया है। एक बड़ा टमाटर था, इसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये दही हमारे पास 200 ग्राम, ये फीकी वाली दही है। खट्टी दही कभी भी आप सालन में यूज़ ना करें, वरना सालन का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये धनिया है 1 टेबल स्पून, ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, ये 2 इलायची है हरी इलायची, ये 1 टी स्पून हमने काली मिर्च ली है, और ये 5 लौंगे हैं। ये हम ऐसे ही पीस लेंगे दरदरा से इसको और मिलाएंगे। ये हमारे पास बेड़गी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। ये हमने 5 अदद ली है, और एक मिर्ची के 3 पीस ऐसे हमने इसके कर लिए हैं। थोड़ा पीसा हुआ गरम मसाला है 1 चम्मच, और हल्दी 1 चम्मच, 2 तेज़ पत्ते हैं, नमक और तेल, इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। और बाद में गार्निशिंग के लिए हम अदरक और हरी मिर्च का यूज़ करेंगे, वो आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये प्याज जो है इसका बिरिश्ता बना के निकाल लेंगे, और उसी ऑयल में ये जो है मटन के पीसेस डाल के इसका पानी ड्राई होने तक, इसका कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अभी ये हमारी कढ़ाई जो यहाँ पर हमने रख दी है गैस पे, और गैस की फ्लेम हम ऑन करते हैं। नाज़रीन, हमने ये आपको जो प्याज बताई थी इसका हमने बिरिश्ता बना के निकाल लिया है। नाज़रीन, हमने ये कढ़ाई में जो है 200 ml ऑयल डाला था, और इसी ऑयल में हम ये जो गोश्त है, तो ये जो है हम क्या करेंगे, हम जो है डालेंगे इसमें कढ़ाई में गरम ऑयल में डालेंगे, और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई पर ढक्कन नहीं लगाना है, इसे खुला ही पकने देना है। ये गोश्त का जो पानी पूरा निकल जाएगा और रिलीज हो जाएगा, और गोश्त जो है थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज करे, तब तक हमको इसे पकाना है। और उसके बाद जो है हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। और ये जो हमने मसाले आपको दिखाए थे, ज़ीरा और धनिया, काली मिर्च, लौंग, ये हम पीस लेते हैं दरदरा, और उसके बाद आपको दिखाते हैं जब तक ये हो रहा है। नाज़रीन, ये गोश्त को हमने तेल में डाला है, और इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, और दरमियान में हमने इस तरह से चम्मच चलाया है, लेकिन अब क्या होने लगा है, ये कढ़ाई में चिपकने लगा। इसका मतलब अब इसका पूरा पानी जो था वो ड्राई हो गया है। अब हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये हमने टमाटर जो बारीक कटे हुए रखे हैं ये हम डाल देते हैं इसमें। फिर ये अदरक लहसुन जो हमने क्रश करके रखा हुआ है चॉपर में से, ये भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देते हैं। अब ये जो है हल्दी और गरम मसाला पाउडर, ये भी डाल देते हैं। तेज पत्ता भी डाल देते हैं, और ये जो लाल मिर्ची हमने काट के रखी है, ड्राई लाल मिर्ची, ये भी डाल देते हैं। मसालों के साथ थोड़ा इसे पकने देंगे हम। टमाटर का जो है पानी, उसमें थोड़ा सा इसमें जो है मॉइस्चर आ जाएगा, ये हल्दी थोड़ी सी रह गई इसमें, ये भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, दही ऐड करना है। दही को हमने क्या किया है, घोट लिया है थोड़ा सा, चम्मच से ऐसा किया है, मिक्सर में हमने नहीं निकाला है इसको, और ये भी डाल देना है। पानी का यूज़ अभी नहीं किया है हमने, नमक भी अभी नहीं डाला है। हमारे पास जो दरदरे कूटे हुए मसाले हैं, यानी मिक्सर में हमने पीस के निकाले, वो भी अभी हमने नहीं डाले हैं, अभी डालते हैं। अभी दही को मिक्स कर लेते हैं। दही डालने के बाद फास्ट चलाना है, वरना दही फट जाती है। ये दही मिक्स हो गई है। अब ये जो मिक्सर में हमने मसाले जो है दरदरे कूटे हुए हैं, पीसे हुए हैं, वो डाल देते हैं।
अब सिर्फ बिरिश्ता बाकी रह गया है और नमक बाकी रह गया है। बाकी सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं। थोड़ा पकने देते हैं इसको दही के पानी में। अब हम नमक डालेंगे। हाथ से ही नमक डालते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिरिश्ते को क्या करते हैं कि मिक्सर में से घुमा लेते हैं, पीस लेते हैं और फिर डालते हैं। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं। अभी हमने पानी नहीं डाला है तो पकने देते हैं। तो हम ढक्कन लगा देते हैं और 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं और फिर दिखाते हैं। अब हम इसमें जो है पानी डालेंगे और बिरिश्ता भी डाल देंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही पीस लिया है। अभी दही के बर्तन में हमने पानी डाला है। थोड़ा पानी भी डालते हैं। कोई भी खुले मुंह के बर्तन में ही आप इसे बनाएं। कढ़ाई में बनाओ तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो कोई ऐसे लगनी होगी ना बड़ी चौड़े मुंह वाली, उसमें बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि भूनने के लिए अच्छा आता है। ये दही वाला पानी हमने डाल दिया इसमें। ये मिक्सर जो है इसको भी हम थोड़ा सा धो के डाल देते हैं इसमें पानी। कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा हमारा अदरक लहसुन भी है, तो ये हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.25 गिलास के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है, और ये बिल्कुल स्लो आँच पर है। अभी हम इसको ढक्कन लगा कर और छोड़ देते हैं पकने के लिए, जब तक इसका पानी जो है सूख नहीं जाता, गोश्त गल नहीं जाता। उसके बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारा ये कढ़ाई गोश्त जो है तैयार हो गया है। आधा घंटा हो गया है पकते हुए से, और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। हमने इसमें और 1 गिलास पानी डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा शोरबा हमें चाहिए। अब थोड़ी सी हम इसमें मिर्चियाँ, हरी मिर्चियाँ जो हमने इसमें लंबाई में काट ली है, ये डाल देते हैं इसमें। और थोड़ी सी अदरक भी डाल देते हैं, और ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग में डाल देंगे। अब इसको आपको चला के दिखाते हैं। ज़्यादा पतला नहीं करना है, ऐसा ही रहेगा। अगर आपको चावल के साथ सर्व करना है तो थोड़ा पानी और बढ़ा सकते हैं, वरना इतना काफ़ी है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। आप इसे तंदूरी रोटी, तंदूरी नान के साथ में सर्व कर सकते हो, और वैसे भी चपाती और रोटी के साथ में घर में भी आप डायरेक्टली भी ऐसे ही बना के खा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, अच्छा बनता है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए नाजरीन, ये हमारा जो है कढ़ाई गोश्त बिल्कुल तैयार है, और हमने अब इसको निकाल लिया है प्याले में। थोड़ा सा हम इसे हरी मिर्ची और अदरक के साथ में, अदरक की जुलियन हमने बनाई है, काट ली है, उसको हम साथ में गार्निश करते हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं। मेहमान आने वाले हों तब भी बना सकते हैं, और ऐसे भी अपने फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं और खाएं। अपनी दुआओं में शामिल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रेसिपी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफिज़।